अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे फेसबुक पेज को अनपब्लिश या फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आपको सारी समझ आ सके आप ये काम कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस काम के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फेसबुक ऐप के ऊपर चले जाएँगे। फेसबुक ऐप के ऊपर जाने के बाद दोस्तों हम थोड़ा वेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ये जो आपको 3 बार्स नज़र आ रहे हैं आपने इनके ऊपर क्लिक करना है। 3 बार्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास शो हो रहे हैं कि मेरे पास 14 पेजेस हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो टेक्स्ट सईद वाला पेज है मैं इसको अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं उसका तरीका आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना है कि जनरल का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जनरल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा रिमूव पेज। तो जैसे दोस्तों आप डिलीट टैक्स सईद के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा कि आप इसको डिलीट क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पर रीज़न देने के बाद इसको वहाँ से डिलीट कर सकते हैं और 14 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो पेज है वो डिलीट हो जाएगा। इन केस दोस्तों अगर आप 14 डेज़ के अंदर अंदर आप इसको बैकअप करना चाहते हैं या रिकवर करना चाहते हैं तो आप वो काम भी यहाँ पर आके कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका है कि अगर आप पेज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे रिमूव करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।